डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप से आशय क्या है, इनका उपयोग कब किया जाता है और इनको ज्ञात करने की विधियां क्या हैं, इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति से आशय औसत से लगाया जाता है और मुख्य रूप से तीन प्रकार के औसत को हम मापते हैं। सबसे पहला मीन, मध्यमान, मीडियन, मध्यांक, मोड, बहुलांक। इन मापों से औसत का तो पता चलता ही है, साथ ही दो या दो से अधिक समूहों के बीच में तुलना करने में भी यह बहुत उपयोगी होता है। जैसे किसी विद्यालय के विद्यार्थियों की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं की तुलना करना। इसके साथ ही साथ हम इसके माध्यम से बहुत सारे सवालों का जवाब भी प्राप्त करते हैं। जैसे किसी विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत बुद्धि और मानसिक उपलब्धियां क्या हैं, या किसी परीक्षा परिणाम में विद्यार्थियों की औसत उपलब्धि क्या है। हम देखते हैं मीन, मध्यमान। मध्यमान से आशय है दिए हुए प्राप्तांकों को जोड़कर उसकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो उसका मीन होता है या वो मध्यमान कहलाता है। जैसे अंक दिए हुए हैं 5, 7 और 3, ये प्राप्तांक हैं। दिए हुए प्राप्तांकों को जोड़कर उसकी संख्या से 3 भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो मीन कहलाता है या मध्यमान कहलाता है। हम मध्यमान का उपयोग कब कर सकते हैं? जब अधिक शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति का पता लगाना हो, जब प्राप्तांक समान रूप से वितरित हों, जब बहुलांक यानी मोड, औसत विचलन, एवरेज डेविएशन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सहसंबंध, कोरिलेशन ज्ञात करना हो। अब हम देखते हैं कि मीन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला है तरीका मीन ज्ञात करने का, जब प्राप्तांक हमारे पास समूह में ना हो, यानी अनग्रुप डेटा हो, तब हम मीन कैसे ज्ञात करते हैं। अनग्रुप डेटा होने का अर्थ हुआ कि प्राप्तांक सीधे तरीके से दिए हुए हो, यानी वो किसी आवृत्ति वितरण तालिका में सजे हुए ना हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में वो रखे हुए ना हो। इसका फॉर्मूला है एम, इसको एम से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एम से इंडिकेट किया जाता है मीन को। एम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ यह भी उल्लेख करना ज़रूरी है कि ये जो फॉर्मूला है, जब भी हम फॉर्मूला लिखें तो उसको डिफाइन जरूर करें, अर्थात एम का अर्थ क्या हुआ, मध्यमान या मीन, सिग्मा का अर्थ क्या हुआ, योग या द सम ऑफ, एक्स का अर्थ क्या हुआ, प्राप्तांक या स्कोर, और एन का अर्थ हुआ नंबर ऑफ स्कोर्स या प्राप्तांकों की संख्या। आप तैयार हैं ना? साथ में सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान के 4 विद्यार्थी हैं जिन्होंने उपलब्धि परीक्षण पर इस तरह के प्राप्तांक प्राप्त किए। ये स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की संख्या है 4 और स्कोर उन्होंने किया है, इसका हम टोटल करते हैं तो सिग्मा एक्स हमको प्राप्त होता है और इसकी संख्या को हम जोड़ते हैं तो एन प्राप्त होता है। इसका अर्थ हुआ कि सिग्मा एक्स हमारे पास कितना है, यहाँ पर 52 और एन है 4। अब फॉर्मूले पर इसको रखने पर
52 डिवाइड बाय 4 आया 13। यानी जो प्राप्तांक है इनको हम टोटल करते हैं, योग करते हैं तो सिग्मा एक्स प्राप्त होता है। सिग्मा एक्स के प्राप्त होने के बाद हमारे पास एन कितना है, 4 है, इसको टोटल करते हैं तो एन प्राप्त हुआ। और इसके बाद में इसको आपस में भाग देने पर भागफल मध्यमान कहलाया, मतलब हमारे पास इस समूह का जो मीन है मध्यमान वो है 13। Isn't it? अब देखते हैं कि जब स्कोर या प्राप्तांक समूह में दिया हो या ग्रुप में दिया हो तब हम कैसे मीन ज्ञात कर सकते हैं। मीन ज्ञात करने का तरीका, जब ग्रुप में दिया हो डेटा तब दो हमारे पास उपलब्ध है, एक तो लॉन्ग मेथड दीर्घ विधि और दूसरा शॉर्ट मेथड लघु विधि। ग्रुप डेटा होने का अर्थ हुआ कि जो प्राप्तांक है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सजे हुए होंगे और जिनका एन अधिक बड़ा होगा। ठीक है, द मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा, जब प्राप्तांक समूह में होंगे यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में होंगे तो हम कैसे मीन ज्ञात करेंगे। इसके लिए दो फॉर्मूला है हमारे पास या दो मेथड है, एक तो है लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड से जब हम मीन ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। मीन का अर्थ हुआ, एम का अर्थ हुआ मध्यमान, मीन सिग्मा का अर्थ आप जानते हैं द सम ऑफ या योग प्राप्तांकों का योग, एफ का अर्थ है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, एक्स का अर्थ प्राप्तांक और एन का अर्थ यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज का योग है या आवृत्तियों का जोड़ है, है? अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। Fifty, fifty-four, forty-five, forty-nine, forty, forty-four, thirty-five, thirty-nine, thirty, thirty-four, twenty-five, twenty-nine, twenty, twenty-four, fifteen, nineteen, and ten, forty. फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 2, 3, 3, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से क्लास इंटरवल में और फ्रीक्वेंसी के रूप में आपके पास सवाल दिया होगा। इसको ज्ञात करने के लिए लॉन्ग मेथड से मीन जब हम ज्ञात करेंगे सबसे पहला काम करना होगा इन फ्रीक्वेंसीज को जोड़ लीजिए तो हमको एन प्राप्त हो जाएगा, एन हुआ 25, एन इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट स्टेप में हमको मिड पॉइंट ज्ञात करना है, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए जो क्लास इंटरवल है इनकी दोनों सिराओं को हम जोड़ेंगे और जोड़ करके दो से उसको भाग दे देंगे तो हमको मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 50 और 54 को हम जोड़ते हैं तो 104 होता है, 104 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 52। इसी तरह से हर एक क्लास इंटरवल की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है, 47, 42,
37, 32, 27, 22, 17 और 12. नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स ज्ञात करना है. ध्यान दीजिएगा, मिड पॉइंट एक्स कहलाता है, प्राप्तांक है, राइट? आप भी कर रहे हैं ना साथ में. चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, एफ एक्स निकालना है. आप जानते हैं कि जहां पर कोई चिन्ह ना हो तो वहां क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है. आपको एफ से एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा. चलिए करते चलिए. पहले को 104, 47 इंटू 2 होगा 94, 126, 111, 160, 108, 66, 34 एंड 12. हमको फॉर्मूले के अनुसार क्या चाहिए है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. एन तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी का योग करने पर प्राप्त हुआ. सिग्मा एफ एक्स कैसे प्राप्त होगा, इसका योग करेंगे तो हमको सिग्मा एफ एक्स प्राप्त हो जाएगा. सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 815. आपने किया, इतना आया आपका, राइट? अब फॉर्मूले में इसको फिट करते हैं. एम इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना है, 815 और एन कितना है, 25, राइट? अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो 32.6, ये इसका मीन आता है. आपका भी आंसर ये आया है, ठीक है? एक बार और देखते हैं. क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के रूप में ये स्कोर आपके सामने दिया होगा. सबसे पहले क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को टोटल करके एन ज्ञात कर लेना है. फिर मिड पॉइंट ज्ञात करना होगा. मिड पॉइंट ज्ञात करने के लिए क्लास इंटरवल के दोनों सिराओं को जोड़ करके दो से भाग देंगे तो हमको मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा. इसी तरह से हर एक क्लास इंटरवल का, हर एक वर्ग अंतराल का इसी तरह से मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी से या आवृत्ति से उसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जोड़ने के बाद हमारे को सिग्मा एफ एक्स उपलब्ध हो जाएगा. सिग्मा एफ एक्स प्राप्त करने के बाद फॉर्मूले पे रखने पर एन से उसको भाग देंगे तो मीन प्राप्त हो जाएगा. बहुत आसान है ना, लॉन्ग मेथड से मीन ज्ञात करना. चलिए अब देखते हैं शॉर्ट मेथड से मीन कैसे ज्ञात करेंगे. ग्रुप डेटा हो और हमको शॉर्ट मेथड से मीन ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात किया जाएगा. स्टूडेंट्स, शॉर्ट मेथड से भी मीन ज्ञात करने के लिए हमको मध्य बिंदु की आवश्यकता होगी. इसका फॉर्मूला है एम मीन, यहां लिखते हैं मीन इज इक्वल टू एम प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इंटू आई. यहां पर एम का अर्थ आप जानते हैं, एम का अर्थ होता है एज्यूम्ड मीन या कल्पित मध्यमान.
अभी हम आपको बताते हैं कि एम या कल्पित मध्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे। सिग्मा द सम ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी, एक्स का अर्थ हुआ एज्यूम्ड मीन से विचलन, डेविएशन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल योग, और आई का अर्थ हुआ कि इन दोनों के बीच का की दूरी कितनी है, या इनके बीच की संख्या कितनी है, दोनों के बीच का अंतर क्या है, साइज क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। एज्यूम मीन ज्ञात करने के लिए दो तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात कि कौन सी संख्या सबसे बीच में आई हो, ठीक है, और दूसरी बात कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मात्रा में है। यहाँ पर 30 और 34 के बीच में हम एज्यूम मीन मानेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर ज़्यादा है और सबसे बीच में ये इसकी पोजीशन है। देखिए इधर से भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5th पोजीशन पे यहाँ पर है, राइट। अब एज्यूम मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, इसका जो क्लास इंटरवल है उसके बीच की वैल्यू, मध्य बिंदु एज्यूम मीन होता है। तो बीच की वैल्यू क्या होगी, 30 से 34 के बीच की वैल्यू होगी 32, एज्यूम मीन हमारा होगा 32। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां पर निकालना है हमको एक्स विचलन, इसको ज्ञात करने के लिए मिड पॉइंट से एज्यूम मीन को हम माइनस करेंगे, फिर क्लास इंटरवल से यानी आई से इसको भाग देंगे। इन दोनों के बीच की दूरी 5 है। आप देखिए 50 51 52 53 54, यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर है संख्याओं की वो 5 है, 5 है, तो क्लास इंटरवल हुआ 5, राइट। सो ये आता है प्लस 4। एक और देखे देखते हैं, 47 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3। इसी तरह से आप करेंगे सारे संख्याओं को, तो इस तरह से प्राप्त होगा प्लस 2 प्लस 1 और यहाँ पर 0। नीचे आप देखेंगे तो -1 -2 -3 और -4, ये हुआ विचलन, एज्यूम मीन से विचलन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, एफ एक्स मतलब इनको इनसे मल्टीप्लाई करना होगा, कर लेना आप। चलिए ये +8 +6 +6 +3 और यहाँ क्या होगा -4 -6 -6 -4। अब इसको क्या करना होगा, जो प्लस की वैल्यू है उसको अलग से जोड़ना होगा और माइनस की वैल्यू को अलग से जोड़ना होगा। प्लस की वैल्यू आती है +23 और माइनस की वैल्यू आती है -20। अब हमको चाहिए है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स हमको कैसे प्राप्त होगा, एफ एक्स तो ये है। अब सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करने के लिए इस वैल्यू से इसको माइनस कर देना है, 23 माइनस 20 कितना हो गया, सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया 3, ठीक है।
अब हमारे पास में AM उपलब्ध है, सिग्मा FX उपलब्ध है, I भी उपलब्ध है, N भी उपलब्ध है। अब हमको इसको फॉर्मूले में रखना होगा। AM इज इक्वल टू 32, सिग्मा FX इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 25, I इज इक्वल टू 5, राइट? इसको आप फॉर्मूले में रखिए, 32 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5। थोड़ा सा यहाँ पर रब करना होगा। आपने लिख लिया? एम इज इक्वल टू 32 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 32 प्लस 0.6। शॉर्ट मेथड से मीन ज्ञात हुआ 32.6। Isn't it? चलिए एक बार और देखते हैं। शॉर्ट मेथड से मीन ज्ञात करने का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू am प्लस सिग्मा fx अपॉन n इंटू i। am मतलब एज्यूम मीन, सिग्मा f, सिग्मा का टोटल योग, f फ्रीक्वेंसी, x विचलन, i वर्ग अंतराल की संख्या, n जो आवृत्तियां हैं उनका योग। सबसे पहला काम क्या करना होगा? मिड पॉइंट इसने भी निकालना होगा, फिर x निकालना होगा, डेविएशन जो था। x निकालने के लिए मिड पॉइंट से एज्यूम मीन को माइनस करके और क्लास इंटरवल से उसको भाग दे करके ये x हमारे पास उपलब्ध होता है, ठीक है ना? इसी तरह से हर एक मूल्य का, हर एक क्लास इंटरवल का एक्स विचलन ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एफएक्स होता है। एफएक्स ज्ञात करने के लिए फ्रीक्वेंसी और ये विचलन इनका मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरह से वैल्यू आती है। वैल्यू आने के बाद में प्लस की वैल्यू अलग लिख ली जाती है, माइनस की वैल्यू अलग लिखी जाती है, और फिर इन दोनों का अंतर सिग्मा एफ एक्स कहलाता है, राइट? अब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स उपलब्ध है, एन उपलब्ध है, आई उपलब्ध है और अज्यूमिंग उपलब्ध है। इसको फॉर्मूला पे रखने पर 32 प्लस 3 डिवाइड बाई 25 इंटू 5 इस तरह से निकालने पर मीन आया 32.6, मतलब इस क्लास इंटरवल का मीन हुआ 32.6, isn't it?